कहाँ से कटवा रखी है भाई? यहाँ से कटाई थी, ये जो है थोड़ी सी कटी थी यहाँ से। अच्छा, जहाँ से कटवाई थी। हाँ जी। तो अभी भाई सीएनजी फुल कराने पे 130 चल जाती है। 130 चलती है बस? हाँ जी भाई। मतलब 20 इंच वाला है पे हाँ 130 चल रही है। अभी सायरन लगा रखे हैं 5 बाल्टी। हाँ। और बूफर लगवा रखा है JBL का, और 4 स्पीकर लगवाए थे बाहर से। मतलब स्पीकर और लगवाए थे इसमें? हाँ, वो कंपनी से आए थे, वो हटवाए थे और अलग से लगवाए थे कंपोनेंट। मतलब 5 बाल्टी लगा रखी हैं। तो भाई एम्प वगैरह कहाँ पे हैं? एम भाई यहीं पे, एक तो ये ऊपर रखा हुआ है और 4 नीचे रखे हैं। 4 ये रहे, ये देखो भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर ले आए हैं आपके लिए स्विफ्ट ब्लैक। भाई ब्लैक स्विफ्ट ऐसी हो रही है, मतलब जहाँ भी देख रहे हो आप ब्लैक स्विफ्ट मिलेगी आपको ज़्यादातर जो लोग ले रहे हैं। और टॉप मॉडल जब से इसमें आया है ना, और ये ब्लैक कलर आया है, काफ़ी ज़बरदस्त सेल हो रही है। और भाई ने भी अल्टीमेट मॉडिफाई कर रखी है, तो इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। भाई ने 20 इंच अलर डलवा रखे हैं और आते ही मतलब अलर डलवा दिए हैं, ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन कर रखी है। जो भी मॉडिफिकेशन स्विफ्ट में हो सकती है ना, वो इसमें है। तो चलो देर ना करते हुए भाई से मिलते। भाई एक बार अपना शॉर्ट इंट हो जाए थोड़ा सा। भाई मेरा नाम ईमान सुनागर है जी, मैं नवादा गांव का हूँ, ग्रेट नोएडा जी। भाई तो भाई कब ली थी आपने शिफ्ट? भाई 1.5 महीने हो गए चलिए। तो ये मॉडल वगैरह कौन सा है, वेरिएंट? ZXi है भाई। ZXi CNG है? हाँ जी भाई, टॉप मॉडल ZXi CNG। तो भाई कितने की पड़ी थी आपको ये? भाई ये पड़ी थी मेरे को 970 की। 970 की ऑन रोड भाई? हाँ जी भाई। तो भाई वैसे तो 9.5 के करीब आती है। हाँ जी भाई, वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, गुजरात से मंगाई थी, साथ के साथ लेनी थी, वेटिंग थी 1 महीने की, तो हमें साथ के साथ लेनी थी। पहली बात तो ब्लैक कलर मिल नहीं रहा था। हाँ। फिर हमने मतलब एक्स्ट्रा दिए थे 20,000 रुपये। फिर जानकार था हमारा गुजरात से, साथ के साथ आई थी 2 दिन, मतलब शोरूम से उन्होंने गुजरात से मंगाई। फिर तो एस सीरीज वगैरह दी थी इसमें कुछ या फिर? नहीं भाई, एस सीरीज नहीं देती, स्टॉक जैसी आती कंपनी से ऐसी है। ऐसी तो भाई इसमें अलॉय वगैरह कितने होने वाले हैं अपने? ये भाई 20 इंच अलॉय भाई बहुत ही कम स्विफ्ट में मिलते हैं देखने के लिए, और ब्लैक कलर में भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखो वो, मैं इनका साइज़ दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो 225/35 R20। तो ये भाई भाई कितने के डले थे भाई? 20 इंची है। 1,05,000 रुपये के डले थे भाई, जो शोरूम से आए थे वो एक्सचेंज करे, मतलब उनको दिए थे। और वो कितने के लिए थे? वो 30,000 रुपये के लिए थे। 30,000 रुपये के लिए थे? हाँ जी भाई। भाई वो 30,000 के तो अलॉय अलॉय आते हैं खाली, और टायर भी दोनों साथ में दिए थे आपने? दिए थे 30,000 रुपये में। 30,000 में टायर भी अलॉय दिए थे। तो ये कहाँ से डलवाए थे भाई आपने? ये करोलबाग से डलाए थे। अच्छा, करोलबाग से डलवाए थे जी भाई। तो भाई ये रहे अलॉय कुछ इस तरह के। भाई फ्रंट में क्या क्या करा रखा है आपने? फ्रंट में भाई ये ग्रिल चेंज है, और इसमें LED बल्ब चेंज है, और फॉग लैंप चेंज है, और ये प्रोजेक्टर है। हाँ जी भाई। तो रूट्स भी लगे हुए हैं? हाँ जी भाई। भाई इन सब का प्राइस बताते चलो साथ के साथ। भाई मतलब कि टोटल काम कराया था मैंने गाजियाबाद एक साल बाहर, हाँ, तो एक साथ 80,000 रुपये लगे थे भाई। मतलब एलॉय से अलग? हाँ, एलॉय से अलग। एलॉय तो करोल बाग करवाए थे, और जो मतलब बाहर का काम कराया वो गाजियाबाद कराया था। अच्छा, बाहर से जो काम कराया ये प्रोजेक्टर हो गए। हाँ जी भाई। LED बल्ब हो गया, रूट्स हो गए, और ग्रिल होगी, और भाई एलॉय तो इसी। और भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है इसमें? भाई पिछली लाइट भी चेंज है, टेल लाइट चेंज करा रखी है, तो एक बार वो भी दिखा देते हैं। और भाई इसमें PPF भी करा रखी है आपने? हाँ जी भाई, PPF भी कराई थी अगले मतलब एक दिन लाने के बाद, उस दिन काम कराने के बाद अगले दिन PPF कराई थी गाजियाबादी। हाँ। 40,000 रुपये की PPF कराई। अच्छा, 40 अगले दिन करा दी थी? हाँ जी भाई, तीसरे दिन मतलब PPF करा। तो 40,000 रुपये लगे उसके? हाँ जी भाई, PPF के 40,000 रुपये लगे थे। तो भाई इसकी गारंटी वगैरह भी आती है कुछ PPF की? हाँ जी भाई, 5 साल की गारंटी दी थी उन्होंने। मतलब इसका कोई फायदा भी होता है PPF का? हाँ जी भाई, क्योंकि ऐसा है ना, मतलब कि वो नहीं आएगी ब्लैक कलर जैसे। हाँ जी भाई। नहीं, आपको फायदा लग रहा है इसमें आपने डलवाई है? हाँ जी भाई, थोड़ी शाइनिंग भी है, ऐसी बात नहीं है, ब्लैक ही PPF कराई है हमने। अच्छा, तो ये टेल लाइट चेंज करा रखी है आपने रियर में?
और वाइपर तो इसमें आता ही है, डिफॉगर वगैरह। तो ये टेल लाइट मतलब कितना प्राइस उसमें ही है? 80,000 में भाई, 80,000 में इंक्लूड है भाई। और भाई सिस्टम वगैरह इसमें सिस्टम कौन सा होने वाला है? एक बूफर लगवा रखा है JBL का और स्पीकर चेंज करा रखे हैं अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई ये बूफर भाई मतलब ये बनवाया है डिजाइन आपने इसका? हाँ जी भाई, इसमें ये CNG ट्रेल लग रही है। हाँ, अलग से लगवाई थी और ये बूफर लगवाया था। तो इसका एक बार साउंड सुनते हैं। भाई क्या क्या सिस्टम होने वाला है, सेटअप जो लगा रखा है आप इसमें, आपने इसमें? इसमें भाई सायरन लगा रखे हैं 5 बाल्टी। हाँ, और बूफर लगवा रखा है JBL का और 4 स्पीकर लगवाए थे बाहर से। मतलब स्पीकर और लगवाए थे इसमें? हाँ, वो कंपनी से आए थे, वो हटवाए थे और अलग से लगवाए थे कंपोनेंट। मतलब उनका साउंड तो सही होता है कंपनी का? नहीं, वो थोड़ा स्लो था तो ज़्यादा कराने के लिए दूसरे लगाए। अच्छा, 5 एम्प लगा रखे हैं इसमें? हाँ जी भाई, 5 बाल्टी लगा रखी है। तो भाई एम्प वगैरह कहाँ पे हैं? एम भाई CNG ट्रे के साइड में। अच्छा, एम्प यहीं पे, एक तो ये ऊपर रखा हुआ है और 4 नीचे रखे हैं। 4 ही रहे भाई, मतलब इतना हैवी साउंड लगा रखा है आपने इसमें। तो हूटर वगैरह की आवाज़ एक बार सुनाना किस तरह की है इसकी। ये देखो भाई, भाई काफ़ी ज़बरदस्त हूटर है। तो इनका प्राइस वगैरह क्या रहा था भाई? भाई 35,000 रुपये के लगवाए थे। 35,000 रुपये के? अच्छा, तो ये सब है मतलब, साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त और हूटर भी काफ़ी ज़बरदस्त लगा रखा है भाई ने। भाई इन सब मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी मतलब आपको? ऐसे भाई शौक़ के लिए कराए थे। शौक के लिए कराई है? और भाई आपने ब्लैक जेड भी करवा रखी है? हाँ जी भाई, ब्लैक। तो भाई चालान वगैरह कैसे मेंटेन कर रहे हो? नहीं, अभी तो नंबर प्लेट ही नहीं लगा रखी। तो नंबर प्लेट नहीं आई है अभी, मतलब अभी तो मैनेज कर रहे हो? हाँ जी भाई। भाई एक बात बताओ, जैसे सुजुकी में बलेनो आती है, फ्रॉन्क्स आई है, अब आप स्विफ्ट की तरफ ही क्यों गए? ब्लैक कलर की स्विफ्ट लेनी थी। मतलब स्विफ्ट ही लेनी थी आपने, वो देखी नहीं? नहीं, और नहीं देखी, हमें स्विफ्ट ही लेनी है। अच्छा भाई, स्विफ्ट तो लेनी थी। जैसे ये स्विफ्ट में ही आता है साइड में जो? हाँ, ये थोड़ा अजीब है भाई, क्योंकि और रूम में तो वहीं आता है पेट्रोल टैंक में। हाँ, बस ये थोड़ा अच्छा सा, मतलब थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे जो पता चल जाती है कि CNG की है। हाँ जी भाई। तो भाई बलेनो देख सकते थे आप? बलेनो भी अच्छी है, मतलब एवरेज सेम सा ही, इंजन तो एक ही है। सोच रखी कि लेने के बाद साथ के साथ ही मॉडिफिकेशन कराएंगे, मतलब वो ये स्विफ्ट की तरफ ही जाना था आपको? स्विफ्ट की तरफ जाना था भाई। तो ये चीज़ है भाई, ये स्विफ्ट में जो आता है ना CNG का, यहाँ पे पता चल जाता है कि जाती है कि ये CNG में है। और फ्रॉन्क्स भी आई है, फ्रॉन्क्स में अच्छा लुक है, न्यू गाड़ी है, तो उसकी तरफ जा सकते थे आप? नहीं भाई, स्विफ्ट बस मन में थी, ब्लैक कलर की स्विफ्ट लेनी। मतलब जब से स्विफ्ट आई है ब्लैक कलर छा रही है, सबके दिलो दिमाग पर छा चुकी है, तो भाई को भी छा गई, भाई ने भी तुरंत ले लिए। तो भाई अंदर इंटीरियर में क्या क्या करा रखा है आपने? इंटीरियर में भाई कुछ नहीं करा रखा, वैसे तो सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो स्पीकर चेंज करा दिए जो कंपनी के आते हैं इसमें, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वही है जो स्टॉक? हाँ जी भाई, जो कंपनी से था वही था भाई। मतलब कितनी चला दी अब तक आपने? भाई अराउंड 3500 चल गई। 3500 चल गई? हाँ जी भाई। तो एक टैंक में कितनी चल जाती है भाई? CNG फुल कराने पे 130 चल जाती है। 130 चलती है बस? हाँ जी भाई। मतलब 20 इंची अलॉय पे 130 चल रही है? हाँ जी भाई। तो स्पीड वगैरह कितनी मेंटेन करते हो भाई? स्पीड तो मतलब कि नॉर्मल रोड पे तो कम ही रहे भाई। यहाँ से कटाई थी ये जो है? थोड़ी सी कटी थी यहाँ से। अच्छा, जहाँ से कटवाई थी? हाँ जी। तो अब भी अड़ते हैं भाई इसमें? नहीं, अब तो मतलब बैठने पर ज़्यादा लोग बैठते हैं फिर अड़ती है। अच्छा, ज़्यादा लोग, 3-4 लोग बैठेंगे तो अड़ जाएंगे? 3 बस, उससे ज़्यादा बैठने पर तो अड़ने लगती है पीछे। मतलब 130 चल रही है एक टैंक में? हाँ जी भाई। मतलब 20 इंची अलॉय ही क्यों डलवाया आपने कुछ इसके बारे में? बस भाई, 118 डलवाते हैं, हमने 20 डलवाए, थोड़ा अलग किया है। अच्छा, कुछ अलग हटके किया है। इसमें बाल्टी वगैरह कहाँ पर लगा रखी हैं भाई? इसमें 2 तो आगे लग रही हैं और नीचे लग रही हैं। एक पीछे भी लग रही है। अच्छा, एक पीछे भी लग रही है। भाई एक बात होता, ब्लैक कलर की तरफ ही क्यों गए आप? ब्लैक कलर मेंटेन करना थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और मतलब नया आया था स्विफ्ट में, इसलिए ब्लैक कलर लिया, थोड़ा प्रीमियम सा लगा। वही है, ब्लैक कलर में जब से स्विफ्ट आई है ना, तो काफ़ी ज़बरदस्त सेल हो रही है, लोग ब्लैक कलर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, मतलब स्विफ्ट का अलग ही रुतबा बन चुका है इस समय मार्केट में। हाँ जी भाई, और कुछ कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? नहीं भाई, बस शौक के लिए ली है और बढ़िया, मतलब शौक करना है अपना गाड़ी। हाँ जी से भाई। तो अभी 3500 किलोमीटर चली है? हाँ जी भाई, अभी 3500 चली है।
तो भाई ये भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूंगा, नीचे आ रहा होगा, उसको जाके भाई से कोई सवाल जवाब हुआ आपका तो पूछ लेना और साथ में मुझे फॉलो कर लेना। तो ओवरऑल ये है भाई गाड़ी, ब्लैक जेड गाड़ी, ब्लैक स्विफ्ट, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, 20 इंच अलॉय। तो भाई कैसी लगी हमारी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।